स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में एक नए रोम लेके आए, वो Redmi के K20 Pro में, जिसका नाम है YAAP रोम। तो गाइस ये एक AOSP बेस्ड रोम है, तो इसमें हमको AOSP के सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे और भी एडिशनल फीचर्स भी देखने मिलेंगे। तो चलिए करते हैं इसका रिव्यू और देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें इस रोम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो एंड्रॉयड वर्जन 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पैच आपको 5 नवंबर का देखने को मिलता है और जो कर्नल इसमें आपको देखने को मिलता है वो कस्टम कर्नल मिलता है ये रोम के तरह ही, 4.14.201 या आप कर्नल देखने को मिलता है। तो गाइस ये कुछ, अब गाइस बढ़ते हैं इसके बाकी के सेटिंग के तरफ में। तो हम सिक्योरिटी फीचर्स में देखेंगे तो हमें फिंगरप्रिंट अनलॉक का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट आपको इस रोम में अभी तक देखने को नहीं मिलता। गाइस ये एक ऑफिशियल बिल्ड है तो इसमें अभी तक फेस अनलॉक का फीचर मिसिंग है, ये इस रोम का एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है। क्योंकि गाइस आपको फाइनल बिल्ड में आपको सभी अपडेट मिल जाते हैं जो कि रोम में मिसिंग होते, लेकिन अभी तक इस रोम में आपको फेस अनलॉक का फीचर देखने को नहीं मिलता। गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम बाकी के फीचर्स के, तो DRM इन्फो में आप देखोगे तो वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने काफी अच्छे से मिलता है, आप OTT प्लेटफॉर्म से वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और गाइस सेफ्टी नेट फीचर की बात करूँ तो ये भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, तो ये अभी आपको फेल देखने को मिलता है, तो ये भी एक ड्रॉबैक आपको इस रोम के साथ देखने को मिलता है। गाइस ये रोम प्रीब्रूटेड आता है तो इसमें आपको जो मैजिक्स की फाइल है उसे फ्लैश करना पड़ेगा और रूट हाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सेफ्टी नेट फीचर्स को बाईपास कर सकते हो। गाइस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने बेंचमार्क टेस्ट ऑलरेडी कर रखा, जो स्कोर है वो मुझे देखने को मिलता है 4,88,000 का, जो कि काफ़ी डिसेंट सा परफॉर्मेंस देता है। मैं पबजी टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा कि पबजी में आपको कुछ फ्लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम जाएंगे इसके सेटिंग के तरफ में, देखेंगे और क्या क्या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखते हो देखने को मिलता है YAAP येट अनदर सेटिंग पेज, इसमें आपको कस्टमाइजेशन के सभी टाइल्स देखने को मिले। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार, स्टेटस बार में आपको नोटिफिकेशन ट्रैफिक डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक नेटवर्क स्पीड्स वगैरह ये सब देख सकते हो। बैटरी स्टाइल में ऑप्शन देखने को मिलता है बैटरी, सो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो बैटरी परसेंटेज इनसाइड द आइकन ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स में आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि ब्राइटनेस स्लाइडर, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसे आप बंद करते हो तो ऊपर आपको ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और गाइस मीडिया प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेविगेशन बार में गाइस आपको एनेबल नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये गाइस ये नीचे जो एनिमेशन बार है इसे एनेबल करता है। तो अगर गेस्चर यूज़ कर रहे हो, अगर गाइस यहाँ पे आपका सिस्टम नेविगेशन में अगर 3 बटन नेविगेशन क्लिक करते हो तो वो एनेबल डिसेबल करोगे तो यहाँ से बंद चलोगे, अगर आप गेस्चर नेविगेशन में तो इसे ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस इसमें आपको तीनों ही गेस्चर का सपोर्ट देखने को मिलता है जैसे कि आपको दिखाया। और गाइस यहाँ पे आप और एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन का, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग इन्फो मीडिया आर्ट्स स्मार्ट स्पेस ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पावर मेन्यू में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे डिवाइस कंट्रोल्स में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइव, और गाइस यहाँ पे एडवांस रीबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको कुछ एज लाइटिंग MN डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और गाइस अबाउट सेक्शन में आपको डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाए। ये कुछ सेटिंग्स आपको इस रोम में देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे आप कैमरे की बात करूँ तो आपको गूगल कैमरा इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 2 सेटिंग भी देखने को मिलती है कैमरा और वीडियो। सेटिंग के तरफ में हम जाएंगे तो मेगापिक्सल और रेजोल्यूशन और क्वालिटी का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप बैक कैमरे की क्वालिटी वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो और वीडियो की क्वालिटी भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये कुछ सेटिंग आपको इस रोम में देखने को मिलता है। और गाइस इस रोम में ज़्यादा कुछ आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वर्किंग देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और काफ़ी एक्यूरेट काम करता है, इसके रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अगर लॉक स्क्रीन पर डायरेक्ट यूज़ करोगे तो भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अब गाइस बढ़ते हैं इसके पबजी के टेस्ट के तरफ में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने पबजी टेस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इससे मैं रन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पबजी गेम सक्सेसफुली लोड हो चुका है, तो मैं जाऊँगा सेटिंग के तरफ में और यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राफिक्स दिखा दूँगा। तो ग्राफिक्स आपको HD विथ हाई फ्रेम रेट्स डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, HD विथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स का सपोर्ट आपको एनेबल देखने को मिलता है, HDR विथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, और गाइस अल्ट्रा HD में आपको अल्ट्रा FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हम डिफ़ॉल्ट HD विथ एक्सट्रीम सेटिंग्स में एक गेम प्ले करेंगे और देखेंगे हमें कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता है और डिवाइस हीट होता है कि नहीं। तो हम एक छोटा सा TDM मैच खेलेंगे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा गेम प्ले हुआ, कोई भी लैग वगैरह हमें इस गेम में नोटिस नहीं हुआ, कोई भी फ्रेम ड्रॉप भी नोटिस नहीं हुआ। तो गाइस गेम HD विथ एक्सट्रीम सेटिंग्स में आपका फ़ोन थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना नॉर्मल सेटिंग्स पे होता है। और गाइस अब बढ़ते इसके इंस्टॉलेशन के तहत, मैं सबसे पहले अपना फ़ोन बूट करता हूँ रिकवरी मोड में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ोन बूट हो चुका है रिकवरी मोड में। अब सबसे पहले मैं सभी चीज़ें वाइप करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद गाइस मैं सिंपल सा फैक्ट्री रीसेट करूँगा। इसके गाइस आपका जब सभी फाइल्स अपने इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फाइल कॉपी कर रखा है, तो इसमें आपको GApps की फाइल फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल GApps आपको इस रॉम के साथ देखने को मिलता है। इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इसे मैं कर दूंगा स्टार्ट। तो गाइस फ्लैशिंग में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए। और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फ्लैशिंग के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में नए रॉम के साथ।